नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो हम महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र कब आया, महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र क्यों आया तथा महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में कौन कौन सी बातें कही गई थी। मैं आज सिर्फ तीन चीज़ की बात करूँगा, कब, क्यों और कौन कौन सी बातें और क्या क्या कहा गया था। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कब। तो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को आया। अब बात आती है कि ये घोषणा पत्र आया क्यों। तो जो सबसे पहला कारण था घोषणा पत्र आने का वो यह था कि 1857 का विद्रोह, जो कि आप सभी को याद होगा, 1857 का जो विद्रोह था उसमें सैनिक विद्रोह के अंतर्गत सत्ता का हस्तांतरण हो गया था। जो सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी वो सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आते ही रानी को कहीं ना कहीं डर या शंका थी कि मेरे हाथ से भी सत्ता जा सकती है, इसलिए उन्होंने अपना घोषणा पत्र लाया। और घोषणा पत्र में जो सबसे पहली बात कही गई वो सारे राजाओं और लोगों को ऐलान किया गया कि अब सत्ता जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से चली गई है तथा महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई है। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहा गया कि जितने भी राजाएं हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया ने अपना इरादा साम्राज्य विस्तार करने का कोई इरादा नहीं था रानी विक्टोरिया का। उन्होंने यह विश्वास दिलाया राजाओं को। अब बात आती है कि उन्होंने राजाओं को यह विश्वास क्यों दिलाया। तो यह विश्वास इसलिए दिलाया क्योंकि लॉर्ड कैनिंग 1857 के आंदोलन में उन्होंने बताया था कि अगर ये आंदोलन में राजाएं साथ देते, सब प्रांत के सब जिले के राजा अगर साथ देते तो शायद ब्रिटिश क्राउन की सत्ता भी हाथ में नहीं आ पाती। इसी वजह से रानी विक्टोरिया ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी साम्राज्य में बिल्कुल विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि उनको सैनिक को सीमित कर दिया जाएगा तथा विदेशी शक्तियों से संबंध करने की बिल्कुल मनाही कर दी गई थी। दूसरी प्रावधान घोषणा में यह बात कही गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत के धार्मिक विचारों, विश्वासों और पूजा के तौर तरीके में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1857 का विद्रोह ही धार्मिक कारणों से हुआ था, क्योंकि 1857 का विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो सुअर और मांस के लगे चर्बी के कारण हुआ था। तथा यहाँ पर इस घोषणा में यह बात कही गई थी कि हम किसी भी भारतीयों के धार्मिक विचारों, विश्वासों और पूजा के तौर तरीके में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी और रीति रिवाजों का उचित सम्मान दिया जाएगा। तीसरी बात इस घोषणा पत्र में यह कही गई थी कि महारानी ने यह घोषणा की कि जहाँ तक संभव होगा भारतीयों को योग्यता और ईमानदारी के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तीसरी बात इन्होंने कही थी कि जहाँ तक संभव होगा उनको भारतीयों को भी सरकारी कार्य में नियुक्त किया जाएगा। चौथी घोषणा यह करी गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई संधियां और समझौता का पालन किया जाएगा। और आखिरी में बात यह कही गई थी कि उन लोगों ने जिन्होंने ब्रिटिश नागरिकों की हत्या नहीं करी है उन्हें क्षमा ध्यान दिया जाएगा। तथा यही थे महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र। इसमें सबसे मेन बात यह आती है कि इसमें उदारता, मित्रता और न्याय की भावना झलकी थी। और वह झलकी क्यों थी, वो सिर्फ झलकी थी 1857 के विद्रोह के कारण। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।